फरीदाबाद की स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण करने पहुंची भारत सरकार से हेल्थ डिपार्टमेंट की जॉइंट सेक्रेटरी वंदना जैन ने फरीदाबाद की सीकरी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस मौके पर वंदना जैन ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से भी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली, तो वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की इमारत का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर वंदना जैन ने सभी डॉक्टरों से भी वार्तालाप की और स्वास्थ्य केंद्र की तमाम सुविधा और समस्याओं को लेकर भी जानकारी हासिल की। इस बीच उनके साथ फरीदाबाद के सीएमओ विनय गुप्ता और बल्लभगढ़ एसडीएम त्रिलोक चंद समेत अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहे। ये बिल्डिंग अच्छी है, फैसिलिटीज ये क्रिएट करना चाहते हैं, बट इसमें एक एचआर का जो इशू है ना, वो वेकेंट पोस्ट का, एक्चुअली इनका ये तो है रिक्रूटमेंट एजेंसी है प्रॉपर, सब कुछ मतलब एक सेटअप ऑर्गेनाइज्ड वे में सब कुछ है, बट उसको धीरे धीरे ही टाइम लगेगा अभी, क्योंकि इतने फार्मासिस्ट चाहिए या इतने स्टाफ जो मतलब स्किल्ड लोग चाहिए, वो भी धीरे धीरे ही बढ़ेंगे। एक इनका कार्डर का है, ये कह रहे हैं स्पेशलिस्ट नहीं है, पीएचसी में तो स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं होती, बट ज्यादातर जो एमबीबीएस करके वो आगे फिर एमडी के लिए चले जाते हैं, तो इस वजह से भी वेकेंट पोस्ट है इनकी कई जगह पर। ये एक इशू है डॉक्टर्स के साथ में, तो वो तो कोई रोक नहीं सकता उनको, एमडी करेंगे तो करेंगे। वही फरीदाबाद के सिविल सर्जन विनय गुप्ता ने बताया कि पूरे जिले के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। दवा हो या स्टाफ की बात हो, सभी चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, साफ सफाई बहुत अच्छा है और यहाँ के डॉक्टर विपिन है, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, पूरी मेहनत और लगन से काम करते हैं। जैसा कि लोगों ने कहा कि उन्हें सभी चीज की सुविधा यहाँ उपलब्ध है, एक डेंटल सर्जन भी है, डेंटल चेयर हमने सीएसआर के थ्रू यहाँ मंगवा ली है, वो जल्दी इंस्टॉल हो जाएगी, तो डेंटल सुविधा भी लोगों को पूरी तरह से मिलने लग जाएगी। बाकी स्टाफ धीरे धीरे रिक्रूट होगा और स्टाफ बढ़ेगा तो और ज़्यादा सुविधाएं। यहाँ के डॉक्टर एक्टिव हैं, वो अपने गुड़गांव से वीयर आउट से दवाइयाँ आती है, डिमांड करनी पड़ती है, वहाँ से लेके जल्दी आनी पड़ती है सेंट्रल स्टोर के, तो कई जगह डिमांड डॉक्टर नहीं देते। वही वंदना जैन ने बताया कि कुछ कमियां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सीकरी में नजर आई है, जिन पर विचार विमर्श किया जाएगा, क्योंकि इस स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ की कमी है, जिससे अधिकारियों से विचार विमर्श के बाद पूरा करने की कोशिश की जाएगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का भरपूर लाभ मिल सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।